तो दोस्तों अगर आप भी Realme का डिवाइस यूज़ करते हैं तो फाइनली यहाँ पे जो फाइंड मैनेजर अगर आप यूज़ करते होंगे तो यहाँ पे पूरा जो है नया अपडेट आ चुका है, पूरा इंटरफेस जो है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। और मे बी ये जो इंटरफेस है काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करते हैं, मतलब जो फाइल मैनेजर है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस अपडेट के अकॉर्डिंग इस अपडेट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको कस्टमाइज देखने को मिलेगा। तो कैसे आपको इसको अपडेट करना है सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्कस करने वाला हूँ और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू मिलने वाली है, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। और मैं आपको बताया तो ये जो अपडेट है वो नवंबर के मंथ में जो है दिया जा रहा है, और मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे आपको ये अपडेट के थ्रू ये मिल सकता है, ठीक है। तो ज़रूर से आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेलीग्राम अगर आप यूज़ करते हैं तो ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा भाई, वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन जाती रहती है, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं फिलहाल से जो है यहाँ पे जो माई फाइल है ना, इसमें हमको नया अपडेट मिला है और नया इंटरफेस मिला है। चलिए सबसे पहले तो मैं फाइल मैनेजर का पूरा लुक जो है आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। जैसे मैं फाइल मैनेजर को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये चेंज कर दिया गया है, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है आप देख सकते हैं, मल्टीपल कलर में आपको इसमें जो फाइल मैनेजर के जो फोल्डर्स हैं इसमें आपको मल्टीपल कलर का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि ये देख सकते हैं ब्लू कलर में आपको ये यहाँ पे स्टोरेज मतलब डिवाइस के स्टोरेज शो कर रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की साइड में एसडी कार्ड जो है आपका यहाँ पे जो है ऑरेंज कलर में जो शो कर रहा है, और इसी तरीके से ब्लू कलर में यहाँ पे ये भी शो कर रहा है, और भी फोटोज़ वगैरह ये सब देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी देख सकते हैं अगर मैं किसी भी फोल्डर को पर्टिकुलर यहाँ से किसी भी फोल्डर को ओपन करता हूँ तो फिलहाल आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो फोल्डर का जो यहाँ पे जो ये देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा डार्क कर दिया गया है, और जो यहाँ पे फोल्डर है उसको हाईलाइट ज़्यादा कर दिया गया है, मतलब फोल्डर का कोई भी नाम है उसको ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया है। मतलब पूरी तरीके से नवंबर के अपडेट में कई सारे नए फीचर्स जो है दिए गए हैं, पूरा यहाँ पर इंटरफेस जो है चेंज कर दिया गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपको अगर ये अपडेट चाहिए तो आपको कैसे मिल पाएगा ये अपडेट। तो इसके लिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले जिन भी यूजर्स को यहाँ पे न्यू नवंबर का अपडेट रोल आउट किया गया है, ठीक है, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर अपडेट न्यू रोल आउट किया गया है तो उनको अपडेट करने के बाद ऑटोमेटिक ये इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपने डिवाइस में जो सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद आपको डायरेक्ट जो है ये जो यहाँ पे इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। इसके लिए कोई आपको एक्सटर्नल एपीके फाइल इंस्टॉल नहीं करनी होगी, ठीक है। इसके लिए आपको वेट करना है अपने सॉफ्टवेयर अपडेट का। नवंबर का अपडेट जिन जिन डिवाइस के यूजर्स को प्रोवाइड करवाया गया है उन डिवाइस के यूजर्स को ये जो नया फाइल मैनेजर है वो ज़रूर से देखने को मिल गया होगा, और फिलहाल जो है हमको भी इसी तरीके से जो यहाँ पे प्रोवाइड हुआ है, तो आप ज़रूर से वेट करिएगा। मे भी हो सकता है बहुत जल्दी अपडेट आए तो आपको नया फीचर जो है ज़रूर से मिल जाए। सो होपली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़रूर से बताइएगा आपको ये अपडेट मिला या फिर नहीं मिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।